चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। छत्तीस बिरादरी का संगठन है, किसी एक बिरादरी का नहीं, कोई भाई नहीं समझता होगा, भाई जाट बिरादरी का है, सरदार बिरादरी का है, मोमडन भाई का है। यही बात दिल्ली की, जब दिल्ली का आदेश होगा, जब दिल्ली की तरफ को कूच करा जाएगा, अगर बिजली के छापे वाले रात के समय में आपके मकान पर प्रवेश करें तो आप उसका इलाज करना जाड़ो, वो इलाज कर दियो, बाद में या किसान यूनियन देख लेगी, कोई दिक्कत नहीं होने की। आज की सभा के सभापति जी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी, सम्मानित मंच, दूर दराज से आए हुए हमारे सभी सम्मानित किसान भाइयों, आज जिजोला में जो पंचायत हमारे जिजोला वासियों ने की, हम उन्हें अपनी तरफ से भी और स्टेज की तरफ से भी धन्यवाद करें कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम अपने गांव में भारतीय किसान यूनियन का किया। संगठित होने की बात है, हमें सबको संगठित होकर अपनी लड़ाई लड़नी, एक लड़ाई नहीं, लड़ाई अनेक है। मीटरों की बात आई, अनिल भाई ने बताया 31 जनवरी को एक धरना शामली बिजली घर पर हुआ था, चौधरी नरेश टिकैत जी वहां पर थे, चारों एक्शन थे, फोर्स भी थी, तो वहां पर ये मुद्दा उठाया गया था, एक मुद्दा नहीं बल्कि कई मुद्दे उठाए गए थे, सभी पर हां भरवाई गई थी। इस बात का बेनिश्चिंत रहे लोग कि किसी पे कोई जांच थी पुलिस या बिजली विभाग करे, वह बर्दाश्त नहीं करी जाने की। अभी तो इन मीटरों की बात हम कर रहे, इस सरकार की पॉलिसी में स्मार्ट मीटर भी आगे और जिले भी घोषित हो लिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले टारगेट पश्चिम उत्तर प्रदेश को सरकार ने बनाया, किसान के पास में एक वक्त पैसा है एक वक्त नहीं है। अगर पैसा गर्मी की मौसम में नहीं मिलेगा और उन मीटरों में नहीं डलेगा तो किसान अपने खेत की सिंचाई नहीं कर पाएगा। सबसे जरूरी सबसे पहली लड़ाई आपको यहां लड़नी पड़ेगी, लड़ाई नहीं वैसे भी लड़ी जाएगी, लड़ाई संगठन के तौर पर लड़ी जाएगी। सभी भाई अपने अंदर के मेल काट के मनमुटाव हटा के लड़ाई को लड़ेंगे। शामली दूर नहीं है, शामली नजदीक ही है, शामली को उठा के इधर जमुना पर तो ले नहीं जा सकता, सरकार चाहे तो वो भी हो सके। पहले भी सन 87 से आज तक भारतीय किसान यूनियन जहां भी कहीं आदेश हुआ वहीं पर जाकर लड़ाई लड़ी। यही बात दिल्ली की, जब दिल्ली का आदेश होगा, जब दिल्ली की तरफ को कूच करा जाएगा, इब कल की तारीख 21 है, 21 तारीख का फरमान चौधरी साहब नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी का है, कल को दिखा दो वहां पर किस संगठन में कितना बल है। मैं तो सभी भाइयों से यही कहना चाह रहा, अब अपने मन मुटाव और अपने मतभेद खत्म करो। हम कुछ जयचंद वाला पार्ट अदा कर रहे और वो जयचंद वाला पार्ट हमारा हमारी भारतीय किसान यूनियन को घात पहुंचाने का काम कर रहा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की आत्माओं को घात पहुंचाने का काम कर रहा,
नहीं चाहते कि इस तरह का कोई मामला सामने आवे और भारतीय किसान यूनियन को घात पहुंचे। अगर हमारी गलती है तो हमें कहो, हम मानने के लिए तैयार हैं। छत्तीस बिरादरी का संगठन है, किसी एक बिरादरी का नहीं, कोई भाई नहीं समझता हो भाई जाट बिरादरी का है, सरदार बिरादरी का है, मोमनन भाई का है। यू संगठन छत्तीस बिरादरी का है, सभी का इसमें स्वागत है। पर एक ही बात सामने आवे, अगर मैं इधर को जाऊंगा तो दूसरा इधर को जाने में इंक्वायरी कर रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ बात होनी चाहिए। ये भी एक ज्ञापन दिया गया था चौधरी साहब के आदेश पे, तहसील पे मामला तहसील का था, वहीं पे बैठने का था। बहुत ही कम भाई वहां पर पहुंचे। भाई हम हाथ जोड़ के कह रहे, अगर किसी के अंदर हमारे प्रति कोई घृणा है तो हम हाथ जोड़कर उससे माफी चाह रहे, उस घृणा को साफ कर दें और इस किसान संगठन के साथ लगें। संगठन का बलबूता, यू संगठन पैसा नहीं चाहता। अगर कोई भाई संगठन के नाम पर पैसे की उगाही करता हो तो आपके बीच में जिला अध्यक्ष कालिंदर मलिक भी हैं, आप उनसे शिकायत कर सकते हैं। चौधरी राकेश टिकैत जी हैं, नरेश टिकैत जी हैं। इस संगठन को पैसे की जरूरत नहीं है, तो संगठन की जरूरत है, आप सभी की जरूरत है। अगर कहा जहां भी कहीं किसी भी भाई को कोई दिक्कत है और संगठन को पुकार है तो संगठन को वहां पे इकट्ठा होकर उसकी मदद करनी चाहिए। रही बात बिजली के छापों की, पहले भी कह चुके, आज भी कह रहे, अगर बिजली के छापे वाले रात के समय में आपके मकान पर प्रवेश करें तो आप उसका इलाज करना जाड़ो, वो इलाज कर दियो, बाद में किसान यूनियन देख लेगी, कोई दिक्कत नहीं होने की। पैसा दे, मीटर लगवा रखे, पहरेदार है उनके, अगर कोई गड़बड़ है तो पहरेदार मार के बात करो कि भाई तेरे में क्या गड़बड़ है। किसी के मकान में बहु बेटी है, इज्जत आबरू के साथ में है, और वे रात को सीटी लगा के मकान पर उतरे तो इलाज सुथरा कर दियो, फिर हम देख रहे, कोई दिक्कत नहीं होने। चौधरी साहब, ये भी 17 तारीख में ऐलान हुआ था कि 21 तारीख में कलेक्ट्रेट पर ट्रैक्टरों द्वारा प्रदर्शन होगा, जरूरत पड़ी तो कलेक्ट्रेट की तालाबंदी भी होगी। और हमने बोल भी दिया था, कल वैसे ही बातचीत चल रही थी डीएम के साथ में, डीएम साहब को एक ने कह दिया कि डीएम साहब आप अपने राजस्थान में नहीं जाते, कम जाओ, कह लगा फुर्सत नहीं मिलती, अगर आप धरना कर दो तो मुझे छुट्टी का मौका मिल जाएगा। हमने कहा तो डीएम साहब परसों को ही आ रहे, क्या करोगे, मगा करेंगे के वो साहब आपके सामने आ जाएगा, तालाबंदी करेंगे, कहां की करोगे, मगर समझ तहसील और डीएम कार्यालय की करेंगे भाई। तो ये सब बलबुता आपका है, आपके द्वारा होगा। अगर कोई भाई पंचायत के माध्यम से या किसी धरने प्रदर्शन के माध्यम से कोई काम करे अतः आप उसमें सभी शामिल हो, नीचे नीचे उसकी खजाई ना करें, उसका सहयोग करें, उसे प्यार दें, वो आपका कर्तव्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन।